दोस्तों, मैं शिवानी, आप सभी का स्वागत है बालाश्री एजुकेशन पे। तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं यूपीएससी एनडीए, एनडीए फर्स्ट और एनडीए सेकंड के लिए कौन कौन सी बेस्ट बुक होने वाली है जो इस बार हमारा 100% सिलेक्शन करा दे यूपीएससी एनडीए में। और दोस्तों, मैं आपको साथ ही बता दूँ कि जो भी मैं इस वीडियो में इंपॉर्टेंट बुक बताने वाली हूँ, उन सारी बुक का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ईजिली मिल जाएगा। तो या तो आप ऑनलाइन परचेज कर सकते हैं या फिर आप अपने मार्केट से जाके भी ले सकते हैं अगर आपको इससे कम प्राइस में मिल जाती है। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो को जल्दी से जल्दी शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है, वो है एग्ज़ाम डेट। तो ऑलमोस्ट कैंडिडेट्स को पता होगा एग्ज़ाम डेट, एनडीए फर्स्ट और एनडीए सेकंड के एग्ज़ाम डेट जो कि 6 सितंबर को है। लगभग एनडीए फर्स्ट और एनडीए सेकंड के एग्ज़ाम डेट में ज़्यादा टाइम नहीं रहा, लगभग आज ही के दिन 6 तारीख को 2 महीने बाद एग्ज़ाम होने वाला है। ठीक है, तो आप अपने प्रिपरेशन में लग जाएं। और यहाँ पर मैं और एक डाउट क्लियर कर दूँ कि जो बहुत सारे कैंडिडेट्स ऑनलाइन प्रिपरेशन कर रहे हैं, ऑनलाइन स्टडी कर रहे हैं, उनको मैं एक बात बता दूँ कि उनको ऑनलाइन के साथ साथ सेल्फ स्टडी भी करना बहुत ज़रूरी है। ऑनलाइन स्टडी से आप सारे कॉन्सेप्ट को क्लियर करते जाइए, और सेल्फ स्टडी से जो मैं आपको अभी आगे मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक बताने वाली हूँ उनसे आप अपने सारे टॉपिक्स को क्लियर करते जाइए। तो अब बात करते हैं जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है, जो कि एग्ज़ाम पैटर्न। तो एनडीए के एग्ज़ाम में 2 सब्जेक्ट से क्वेश्चन आने वाले हैं, पहला है मैथ्स, दूसरा है जीएटी जनरल एबिलिटी टेस्ट। जनरल एबिलिटी टेस्ट में 2 सब्जेक्ट से क्वेश्चन आने वाले हैं, पहला है जनरल नॉलेज और दूसरा इंग्लिश। तो अब बात करते हैं मैथमेटिक्स की, जो कि बहुत सारे कैंडिडेट्स को प्रॉब्लम क्रिएट करती है। उसमें 120 क्वेश्चन आने वाले हैं 300 मार्क्स के, और 2.5 आवर मतलब 2.5 घंटे रहने पेपर की टाइम ड्यूरेशन। तो अब हम बात करते हैं कि कौन से मैथमेटिक्स के लिए सबसे बेस्ट बुक होने वाली है। तो सबसे बेस्ट बुक होने वाले अरियंत की पाथ फाइंडर, ये वाली आपको बुक साइट में दिख रही होगी, ये वाली सबसे बेस्ट बुक होने वाली है। इसमें मैथ्स के साथ साथ जीएटी जनरल एबिलिटी टेस्ट का भी पूरा पोर्शन इसमें दिया गया है। आपको अरियन की पाथफाइंडर बुक लेने से पहले मैथ्स के लिए आपको अपना सेल्फ एनालाइज करना पड़ेगा कि आपका स्टडी का लेवल कैसा है, मतलब कि अगर आप एवरेज स्टूडेंट है या फिर एवरेज से कम या फिर एवरेज से ज़्यादा। तो हम सबसे पहले बात करते हैं जो कि एवरेज स्टूडेंट है या फिर एवरेज से कम है, तो उनको पाथफाइंडर बुक में मैथ्स के क्वेश्चन को सॉल्व करने में उनको थोड़ी सी प्रॉब्लम आएगी। तो उसके लिए उनको एक बुक और परचेज करनी पड़ेगी, जो कि एस चंद आर एस अग्रवाल सर की मैथमेटिक्स की एनडीए एनए। इसमें बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझाया गया है सारे कॉन्सेप्ट को, और साथ ही आपका पूरा बेसिक से क्लियर होते जाएगा। तो जब आपका ये सारे बेसिक्स सारे क्लियर हो जाएंगे, तो उसके बाद आपको पाथफाइंडर अरियन जी की लेनी होगी। ठीक है, तो ये तो बात हो गई उन स्टूडेंट की जो कि एवरेज है या फिर एवरेज से कम है। तो अब बात करते हैं उन स्टूडेंट की जो कि एवरेज से ज़्यादा है। आर एस अग्रवाल की बुक लेने की ज़रूरत नहीं है, वो सीधा अरियंत की पाथफाइंडर बुक को परचेस कर सकते हैं, क्योंकि उनके सारे मैथ्स के सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हैं। तो ये तो बात हो गई इंग्लिश वर्जन वाले स्टूडेंट्स के लिए। तो अब बात करते हैं जो कि हिंदी वर्जन में बुक लेना चाहते हैं, तो उनको भी ये सेम यही प्रोसेस अपनाना है। और अगर वो एवरेज है, एवरेज से कम स्टूडेंट्स हैं, तो अरियंत की पाथफाइंडर के साथ उन्हें आर एस अग्रवाल सर के मैथ्स की बुक लेने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि उनका बेसिक क्लियर होता जाएगा। तो अब बात करते हैं जो कि एवरेज से ज़्यादा लेवल के स्टूडेंट्स हैं, तो उन्हें आर एस अग्रवाल सर की मैथमेटिक्स की बुक लेने की ज़रूरत नहीं है, वो सीधा पाथफाइंडर बुक पर जंप कर सकते हैं। तो ये तो बात हो गई मैथमेटिक्स की इंपॉर्टेंट बुक। और आपको जो मैंने इन सारी बुक का बताया है, उनका सारे बुक का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ईजिली मिल जाएगा, आप वहाँ से परचेस कर सकते हैं। तो अब बात करते हैं जीएटी जनरल एबिलिटी टेस्ट की। जनरल एबिलिटी टेस्ट में 2 सब्जेक्ट से क्वेश्चन आने वाले हैं, पहला है जनरल नॉलेज, दूसरा है इंग्लिश। जनरल नॉलेज में 100 क्वेश्चन आने वाले हैं 400 मार्क्स के, जबकि इंग्लिश में 50 क्वेश्चन आने वाले हैं 200 मार्क्स के, मतलब एक क्वेश्चन के 4 मार्क्स आपको मिलने वाले हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं जनरल नॉलेज की। जनरल नॉलेज में जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है फिजिक्स, केमिस्ट्री, जनरल साइंस, करंट अफेयर, हिस्ट्री और इकोनॉमिक। इनमें जो सबसे ज़्यादा आपको ध्यान देना है वो है फिजिक्स में, और साथ ही करंट अफेयर्स में। तो इनके लिए जो सबसे बेस्ट बुक होने वाली जीएटी के लिए, वो भी पाथफाइंडर बुक ही होने वाली है, जो कि ये वाली आपको दिख रही है, हिंदी और इंग्लिश वर्जन दोनों में आपको मिल जाएगी। इसमें मैथ्स के साथ साथ जीएटी का सारे पोर्शन इंक्लूड किए गए हैं। ठीक है, उसके साथ आपको इसमें बहुत कुछ साल के प्रीवियस ईयर पेपर भी आपको देखने को मिल जाएंगे, पर इसमें ये प्रॉब्लम है, इस जो आपको इसमें प्रीवियस ईयर पेपर देखने को मिलेंगे, इसमें क्वेश्चन के साथ ही साथ इसमें आंसर भी दिए गए, तो ऐसा बिल्कुल सही नहीं होता। तो इसके लिए आपको एक बुक और परचेज करनी पड़ेगी, जो कि है अरियन सर की एनडीए एनए। इसमें 10 प्रैक्टिस सेट आपको देखने को मिल जाएंगे, जो कि बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है एनडीए के पेपर को सॉल्व करने के लिए, जो कि इसमें सबसे टफ है मैथ्स के टाइम ड्यूरेशन को, जो कि इजी नहीं होता है सॉल्व करने में। तो इससे आपकी स्पीड भी तेज़ हो जाएगी मैथ्स के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो दोस्तों, ये लेना बहुत इंपॉर्टेंट है।
तो जी, तो इन शॉर्ट मैं आपको बता दूँ, सिर्फ आपको इस एनडीए के पेपर को क्रैक करने के लिए ओनली 3 बुक लेनी है। हिंदी ये वाली आपको 3 बुक मिल जाएगी इंग्लिश वर्जन में, और साथ ही आपको ये 3 बुक ही लेनी है हिंदी वर्जन में। तो ये तो बात हो गई इंपॉर्टेंट बुक्स को लेने की। तो अब बात करते हैं जो कि बहुत सारे कैंडिडेट्स के माइंड में एक कन्फ्यूजन चल रही होगी कि हम लोग को पता कैसे चलेगा कि हमारे स्टडी का लेवल कैसा है, मतलब कि एवरेज है, एवरेज से कम है या फिर एवरेज से ज़्यादा है। तो मैं यहीं पर उनके सारे डाउट क्लियर कर दूँ कि हमें सारे स्टूडेंट्स को पता होता है कि हमारा स्टडी का लेवल कैसा है, मतलब कि हम कितने पानी में, कि हमें हम कितने अपनी स्टडी को बढ़ा सकते हैं या फिर हमारे स्टडी का लेवल कैसा है। तो यहाँ पर इस चीज़ के लिए तो डाउट करने की कोई ज़रूरत नहीं है कि हमारे स्टडी का लेवल कैसा है, सारे स्टूडेंट्स को भी पता रहता है। तो आई होप दोस्तों आपको पता चल गया होगा एनडीए फर्स्ट और एनडीए सेकंड के लिए कौन कौन सी मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक होने वाली है। तो आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं बचा है, तो आप अब जल्दी से जल्दी बुक को परचेज कर लीजिए और अपने आप स्टडी में लग जाइए। तो दोस्तों, तो कैसे लगी है वीडियो कमेंट करके बताइएगा ज़रूर। अगर आपके मन में कोई क्वेश्चन होगा तो ये भी पूछ लीजिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि एजुकेशन और मोटिवेशन से रिलेटेड सबसे पहले वीडियो आपके पास पहुँच सके। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के नमस्कार।